अपने जो सनातन धर्म है वो बहुत ही प्राचीन है, सब तो प्राचीन जो धर्म अपना सनातन धर्म है। अपनी जिनी भी नौजवान पीढ़ी हैगी अपने धर्म नाल जुड़े, बुराइयां तो दूर होवे, अच्छाइयां नाल जुड़े। इत्थे असी साडे हिंदू धर्म दे अंदर रामायण जी की व्याख्या बहुत बड़ी चीज़ है। साडे कोले इत्थे एक रामायण जो कि रामचरित मानस नूं गुरमुखी लिपि दे विच लिखा गया है। आज है सबसे बड़ी संक्रांति, 12 संक्रांतियाँ होती हैं हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। यह मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जिस दिन से लग जाती है उस दिन से माघ महीना आरंभ हो जाता है और भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं, और इसकी उत्तरायण की बहुत बड़ी महिमा है। और इस रामचरितमानस की ही नहीं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत है, देवी भागवत है, अन्य जितने भी पुराण हैं, किसी भी पुराण की संहिता की अगर महिमा सुनी जाए भगवान के चरित्र, तो वो बड़े ही लाभदायी होते हैं। यह हमारी अनादिकालीन परंपरा है। जैसे इलाहाबाद में आज जिसका नाम प्रयागराज है, गंगा जमुना संगम, गंगा जमुना और त्रिवेणी के पवित्र संगम में देश देश के विदेशों से आए हुए संत महानुभाव एवं पुण्यात्मा लोग वहाँ नित्य प्रति श्री गंगा जी में स्नान कर कर के और भगवान के नाम का जाप करते हुए सत्संग करते हैं। ये पुरानी परंपरा है। रामचरितमानस के अनुसार माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, मज्जहि सज्जन वृंद बहु। वहाँ जब माघ महीना में भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ जा कर करके सभी कथा श्रवण करते हैं। यह एक रामायण जी का महायज्ञ हो रहा है, जिदे अंदर असी 11 रामायणा दे पाठ करवा के कल नूं भोग पावांगे। इत्थे असी साडे हिंदू धर्म दे अंदर रामायण जी की व्याख्या बहुत बड़ी चीज़ है। साडे कोले इत्थे एक रामायण जो कि रामचरित मानस नूं गुरमुखी लिपि दे विच लिखा गया है, जो कि 250 साल पुरानी है, ठीक है, जिन्हों असी इत्थे लोगों के दर्शना हेतु लैके आए हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, जिन्हों देखना उसका मत्था टेकना एक बहुत ही वड्डी गल है। सब तो पहला सारयां नूं जय श्री राम। ये जिहड़े रामायण पाठ अपने पंजाब दे विच फस्ट टाइम असीं करवा रहे हैं, विश्व रक्षक सेवा दल की सारी टीम वल्लियों, सारे समुचा इलाका निवासियों वल्लियों, सारे लुधियाना वासियों वल्लियों, ये बहुत ही वड्डा एक उपराला सारी टीम ने किया सारे नाल रल मिल के। इसलिए तां कि अपनी जिनी भी नौजवान पीढ़ी हैगी अपने धर्म नाल जुड़े, बुराइयां तो दूर होवे, अच्छाइयां नाल जुड़े। अपने जिहड़ा सनातन धर्म है वो बहुत ही प्राचीन है, सब तो प्राचीन जिहड़ा धर्म अपना सनातन धर्म है। इस करके असी कोशिश की है भी इस बारी पहली बार मतलब कि एक समूहिक रामायण महायज्ञ असी जिहड़ा करवाया 11 करवा रहे हैं। आने वाले टाइम से सारे भगतों की इच्छा नाल सहयोग नाल होर भी वड्डा असी उपराला करने की कोशिश करांगे। मायसेल्फ सिमी चोपड़ा पछाण, चेयरपर्सन ऑफ एकास विमेन हेल्पलाइन। अज साडे दुर्गा माता मंदिर दे विच साडे रामायण दा जिहड़ा पाठ रख्या होया वा, मैं इस दी इहनां दी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करदी हैगी हां। रामायण साडा एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिहड़ा कि साडे हर रिश्ते दे हर कर्तव्य जिहड़े असीं पालन करने हैगे उहनां दे आदर्श स्थापित इहदे विच कीते गए हैगे। अज कुछ लोग मैं सुनिया हैगा जिन्होंने कि रामायण के खिलाफ कुछ शब्द अपशब्द बोले हैगे है, उन्हां दी असी घोर निंदा करते हैगे हां, चाहे वह कोई भी होन, चाहे मंत्री होन या कुछ भी होन, असी उन्हां दी बहुत निंदा करते हैगे हां। साडा इह धार्मिक ग्रंथ है जिहदे कि साडे जिहड़े बहुत असी आहत होए हैं इस शब्दां तों।
साढ़े को रामायण जी इतने पाठ दुर्गा माता मंदिर के चल रहा है। ये रामायण तुम देख रहे हो जो लिया हुए साढ़े ये मद्दीपुर विलेज पायल हल्के तो आए है, जेडे कि साड़ी रामचरित मानस तुलसीदास जी की रचना है वह गुरमुखी के जरा लिपि के अनुवाद किया हुआ हैगा वै जी कि 250 साल पुराना उस वक्त अनुवाद किया गया सीगा। और ये जी सा नौजवान सभा जी हैप्पी कौशिक और सारे बॉबी उन्होंने जिन्होंने सामने रखी हैगी है रामायण और लिया के इतने ये उपराला किया मैं इन्हों की बहुत शलाघा करती हूँ। इस तरह के उपराले साढ़े समाज के साढ़े बच्चों के वास्ते जोड़े अच्छे जोड़े आदर्श है हर रिश्ते आदर्श जोड़े स्थापित रामायण किए गए हैं उन्होंने उन्होंने शिक्षा मिलती है।